हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या अन्य कई नामों से इसे हम जानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें से मेंस और प्री में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। इसीलिए हम इस टॉपिक को डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे फैक्चुअल प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए किस साइड से क्या मिला है या किस प्रकार की चीज़ें हड़प्पा के विभिन्न स्थलों की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते रहे हैं। मैच करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि आपको स्टेट के नाम और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के नाम मैच करने को दिए जा सकते हैं कि अमुक स्थल किस स्टेट से रिलेटेड है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो खास करके जो मेंस एग्जाम में कला एवं संस्कृति पक्ष से और इस सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो परिस्थितियाँ थी या जो इनके क्रियाकलाप थे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्योंकि जब हम विश्व की तमाम सभ्यताओं की बात करते हैं कि विश्व में कई सभ्यताएं पनपी हैं, कुछ प्राचीनतम सभ्यताएं जो हैं, जो सबसे पुरानी गिनी जाती हैं मानव के विकास में, उनमें सिंधु घाटी की सभ्यता एक प्रमुख स्थान रखती है। हालांकि अभी तक यह विवाद का विषय है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी रही है या कौन सी सभ्यता किस सभ्यता से कितनी पुरानी है या नई है। समय समय पर नए साक्ष्य मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से आंकड़े बदलते भी रहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। जब हम प्राचीनतम की बात करते हैं तो मुख्य रूप से तीन सभ्यताएँ जो हैं वो सबसे प्राचीन मानी गई हैं, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। तीन चार ही सबसे प्राचीन हैं, तो इस पे हम बहुत डिटेल क्लास करने वाले हैं। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लें ताकि हमारा एक माइंड मेकअप हो जाए कि कितनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्लास के दौरान। ये कई क्लासेस के दौरान होगा। देखिए, जब हम इंडस वैली को पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमको पढ़ना होगा कि इसकी खोज कैसे हुई, और फिर हम देखेंगे इसका नामकरण, कई नाम हैं और वे नाम क्यों हैं, और इसके बाद हम इसका विस्तार देखेंगे और कालक्रम या समय काल, इसको कह सकते हो काल या समय काल। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें हम आज ही की क्लास में कवर कर लेंगे। इसके बाद हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम विभिन्न स्थलों का परिचय करेंगे, डिटेल में करेंगे, और इस पे शायद पूरी एक क्लास, लॉन्ग क्लास होगी। देखिए, इस सिविलाइजेशन को आपको डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो है आगे तक, पीछे और आगे कई पहलुओं को आपस में जोड़ती है। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और आगे जब वैदिक पीरियड में जाएंगे तो इसके बीच का जो कनेक्शन है वो यही है। तो हम इसके जो स्थल हैं, जो अलग अलग, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, कई इसके स्थल हैं, राखीगढ़ी, बनावली, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उन सब पे हम एक पूरी डिटेल क्लास करेंगे, विभिन्न स्थलों का परिचय लेंगे। उसके बाद हम इसके जो सभ्यता, जो कि देखिए सभ्यता की कोई लिपि नहीं प्राप्त हुई है, लिपि प्राप्त हुई है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ये पहली सभ्यता हमारे संज्ञान में आई है। अभी तक जब हम हिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें उस कालखंड के लोगों ने लिखना नहीं सीखा था, या अगर सीखा भी था तो हमें उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों पर डिस्कशन किया था, तो वहाँ तक हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ तक मनुष्य ने किसी भी प्रकार की लेखन शैली का विकास नहीं किया होगा, या अगर किया है तो शायद अभी तक हमें वह संज्ञान में नहीं है। तो इस सभ्यता की जो लिपि है वो हमें प्राप्त हुई है लेकिन हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है, यानी वो उस लेखन शैली को हम पहचानते नहीं हैं। तो
इसके विषय में जो पूरी जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही निकालनी पड़ती है। तो जिस भी सभ्यता के विषय में हमें कोई लिखित साक्ष्य न मिल पा रहे हों, तब हम सिर्फ अपने एक विशिष्ट विश्लेषण और अनुमान के आधार पर ही वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि जब हम यहाँ की विशेषताएँ पढ़ेंगे, तो विशेषताओं में हम सबसे पहले यहाँ का जो है नगर नियोजन पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ का हम स्थापत्य पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस सभ्यता को बसाया गया था, कैसा स्ट्रक्चर था, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या था, उस पर पढ़ेंगे। और फिर यहाँ का हम सामाजिक जीवन कैसा था, और इसी के साथ में हम इसका राजनीतिक जीवन, अभी जो मैं बता रहा था वो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि चूँकि इस सभ्यता का लिखा हुआ हम पढ़ नहीं सकते, तो हम ये बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि इनका समाज कैसा होगा या इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा, इनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, आर्थिक जीवन कैसा था, या फिर इनका धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा इत्यादि। तो ये सब कुछ हम एक विश्लेषण के आधार पर हम निकालेंगे, जो चीज़ें यहाँ पर हमें प्राप्त हुई हैं उन्हीं के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। और वो विश्लेषण बहुत ही बुद्धिजीवी विद्वानों ने किया है, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा के लोग किस प्रकार से धार्मिक थे या धर्मनिरपेक्ष थे या क्या थे। तो वो उनके उपयोग की गई जो वस्तुएँ हैं या वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनके आकलन के आधार पर है, उनके विश्लेषण के आधार पर है। तो विशेषताओं में हम ये पढ़ेंगे, और यहाँ की हम कला पढ़ेंगे, यानी आर्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। कला एवं लिपि भी इसमें हम साथ में लिख देते हैं, हालांकि लिपि को हम पढ़ सकते हैं किसी भी सेक्शन के अंतर्गत। कला एवं लिपि हम यहाँ पर इसकी देखेंगे, और इसके बाद हम विशेषताएं पढ़ने के बाद में हम ये देखेंगे कि सभ्यता का पतन कैसे हो गया, सभ्यता का पतन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि सभ्यता का महत्व क्या है, सभ्यता का महत्व। हम इसी सभ्यता के विषय में बात कर रहे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का महत्व या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। एक पॉइंट और हम यहाँ पे बीच में लिख लीजिए, विशेषताएं यहाँ से, एक और सेक्शन बीच में छूट गया, उद्भव। और उद्भव में हम दो विचारधाएं खास करके पढ़ेंगे, विदेशी या स्वदेशी, यानी इस सभ्यता को किसने बसाया, किसने इस सभ्यता को डेवलप किया, वो विदेशी तत्व थे या यहीं के स्वदेशी तत्व थे। तो इतने टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सभ्यता के विषय में। आइए हम शुरू करते हैं पहले बिंदु से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो इतने पहलुओं पर आपको गौर करना होगा। अगर आप ये सारे पहलू स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ सारी क्लासेस करेंगे, आज की क्लास जो होगी वो वेरी सिंपल होगी, बहुत ही सरल, यानी कि समझ लीजिए कि छोटी क्लास के बच्चों के हिसाब से हम बहुत सरल से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम विश्लेषण की तरफ जाएंगे। इस सभ्यता से रिलेटेड जो यहाँ का नगर नियोजन है, जो स्थापत्य है, यानी यहाँ की जो कला है, खास करके स्थापत्य कला, उस पर हमने डेल में एक दो क्लासेस ली हुई हैं आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में, तो वो आप देख डालिए, वहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो कलात्मक गुण था, जो उनका आर्ट था, स्थापत्य कला खास करके, वो कैसी थी। उस पर हमने डिटेल क्लास पहले से शायद 2 या 3 क्लासेस में उसको कंप्लीट किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको आर्ट एंड कल्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़िए उसको। वहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है वो स्पेशली हिस्ट्री के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आर्ट के दृष्टिकोण से पढ़ा है उसको, और वो आपके मेंस के दृष्टिकोण और प्री के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालाँकि उसको हम यहाँ भी देखेंगे बाद में। देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि इसकी खोज कैसे हुई, फिर हम खोज के आधार पर ही डिसाइड करेंगे इसका नाम कैसे आया,
कैसे खोज हुई इस सभ्यता की खोज। और खोज से पहले हम डिस्कस करें कि सभ्यता जो है, हम जो बात करने वाले हैं उसकी लोकेशन है कहाँ पे, कहाँ पे है लोकेशन। खोज से पहले आप इसको देखें ज़रा। अगर हम वर्ल्ड के मैप पे गौर करें तो ये आपको इस तरीके से इंडिया दिखता है, और इंडिया से फिर ये आप अरब पेनिनसुला, रेड सी, और इस तरीके से आप अफ्रीका देखते हैं। इतने से ही हमारा काम चल जाने वाला है, बाकी वर्ल्ड जो है यूरोप वगैरह इधर आगे। देखिए हम मुख्य चीज़ें आपको बता दें, ये हमारा भारत है और यहाँ पर ये अफ्रीका है, और इधर आपका यूरोप है, और ये आपका पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, यानी ये अरब का क्षेत्र है, अरब पेनिनसुला। और यहाँ पर जो है इराक है, इराक है। तो ये हमने खास करके इसलिए आपको बताया क्योंकि आपको आइडिया रहेगा कि हम कहाँ की बात करने वाले हैं। तो जो प्राचीनतम कुछ सभ्यताएं हैं उसमें जो हम सबसे डिस्कस करने वाले इंडिया की, वो देखिए ये जो इंडिया का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, जिसमें भारत भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, यानी इन तीन देशों तक मुख्य रूप से फैली हुई ये सभ्यता थी। हम जब साइट्स पे डिस्कस करेंगे, जब विस्तार पे बात करेंगे, और जब हम विभिन्न स्थलों का परिचय देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से स्थल किस देश में कहाँ तक ये फैली हुई है। लगभग 13 लाख, जो विद्वानों ने माना है, लगभग 13 लाख यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता ये थी। और अब और ज़्यादा विस्तार, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार माना जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, अगर हम इसको 12 लाख ही मान लें तो आज के इंडिया का 1/3 पार्ट में ये फैली हुई सभ्यता थी। तो सभ्यता को आप इसको एक बड़ा साम्राज्य समझ सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी एक दो नगर की सभ्यता नहीं थी, ये बहुत बड़ा साम्राज्य टाइप में था। तो ये जो आपको हमने मार्क किया है, ये जो है यही है हड़प्पा सभ्यता का स्थान, हड़प्पा सभ्यता, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीन देशों में खास करके ये फैली हुई सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ इराक के, इराक और सीरिया, टर्की का भी कुछ क्षेत्र, खास करके इराक के क्षेत्र में दजला और फरार नदी, यहाँ पर एक सभ्यता जो मिली, उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता। माना जाता है कि ये बहुत प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, जो खास करके इराक का नाम आप लिख लें, ये इसमें वर्तमान में इराक में पड़ेगी। देखिए जो सभ्यताएं डेवलप हुई वो खास करके किसी बड़े जल स्रोत के निकट डेवलप हुई, क्योंकि जहाँ पे पानी होता है, जो पीने लायक पानी होता है, वहीं पे मनुष्य की बस्तियों का संकेंद्रण देखा गया है। अब वर्तमान के समय में हम पानी को ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा कुशल हैं, यानी कि अगर एक स्थान पे पानी नहीं भी है तो हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, सुविधाएं हैं हमारे पास। लेकिन पहले के समय में पानी को शायद बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करने की सुविधाएँ उतनी बेहतर नहीं रही होंगी, इसीलिए ज़्यादातर जो संस्कृतियों का पहले डेवलप हुआ वो नदियों के किनारे रहा, क्योंकि नदियों में ही पेयजल पाया गया। तो पानी जहाँ होता था वहीं पे मनुष्य बसना शुरू करता था। तो उन्हीं से आगे बड़ी सभ्यताओं का जब निर्माण हुआ तो वो भी किसी न किसी, खास करके नदी घाटी के आसपास ही देखने को मिलती हैं। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये विशेषता जो है वो सिंधु नदी, सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी में देखी गई है। सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई है। जो मेसोपोटामी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया, या तो इसको जो है दजला फरात, दजला फरात दो नदियां हैं उसकी घाटी में देखा गया। मेसोपोटामिया का मतलब ही है दो नदियों के बीच की ज़मीन, दजला और फरात नदियों के बीच की ज़मीन जो है वहीं पे ये सुमेरियन सभ्यता भी इसको कहते हैं देखी गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप हुई। और तीसरी जो सभ्यता, एक और जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो यहाँ पे नील नदी घाटी में
आपको उत्तर अफ्रीका के, उत्तर पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और ये खास करके नील नदी घाटी, नील नदी घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। तो ये तीन सभ्यताएं जो हैं वो बहुत प्राचीन हैं और ये समकालीन हैं। आपसे सीधा प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किन सभ्यताओं के समकालीन है, मतलब किन के साथ साथ में चल रहा था इसका डेवलपमेंट। तो हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये समकालीन हैं। जब आगे हम उद्भव पे बात करने वाले हैं कि इस सभ्यता को कैसे किन लोगों ने डेवलप किया, तो आप देखोगे कि बहुत से लोग ये सोच रहे थे, खास करके उसमें जो विचारक हैं वो विदेशी उससे स्रोत को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यहीं से हड़प्पा सभ्यता के विकास के स्रोत हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ के जो संस्कृतियाँ रही होंगी उनको डेवलप करके एक हड़प्पा जैसे कल्चर में, एक हड़प्पा जैसे नगरी सभ्यता में किसने कन्वर्ट किया, तो उनका मानना है कि मेसोपोटामिया की तरफ से ये ज्ञान आया, यानी वहाँ से लोग आए, वहाँ से तकनीक आई और उन्होंने यहाँ के लोगों को सिखा के उनको डेवलप कर दिया और हड़प्पा सभ्यता बन गई। ऐसा बहुत से विचारक मानते हैं, लेकिन अब इन विचारकों के ये तर्क माने नहीं हैं क्योंकि ये शुरुआत की बात है। लेकिन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है तो हम पढ़ेंगे कौन से लोग ऐसा कहते हैं और किन तर्कों के आधार पर कहते हैं, उनके तर्कों का फिर हम खंडन करेंगे कि आप जो कह रहे हैं, आप ऐसा जो कह रहे हैं वो किस प्रकार गलत है। तर्क का हम खंडन करेंगे और हम फिर ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को यहीं के क्षेत्रीय संस्कृतियों ने ही डेवलप किया है। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक संस्कृति थी सोथी संस्कृति जो राजस्थान के बीकानेर में मिली, और बहुत सी संस्कृतियां जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र और सिंध क्षेत्र में पाई गई, जैसे कुल्ली संस्कृति है, नाल संस्कृति है और भी हैं, हम आगे बताएंगे। तो उन्हीं सब संस्कृतियों ने आगे चल के हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है, ऐसा स्वदेशी विचारधारा के लोग मानते हैं। तो इसके पीछे क्या तर्क है उसको हम देखेंगे अब। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को डेवलप आर्यों ने किया था। तो आर्य विचारधारा के लोग जो हैं, जिनका ये मानना है कि आर्य आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट किया, तो उसके क्या तर्क हैं और उस पर भी हम बात करेंगे। आर्यों से रिलेटेड दो बातें चलती हैं कि आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट किया या आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म किया। तो जैसा है हम पढ़ेंगे, सब लॉजिक की कसौटी पे उसको कसेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो आशा है इन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हमने बताया कि लगभग 5000 BC यानी ईस्वी पूर्व में जब तांबा की खोज हुई, तांबा, इसके पहले, तांबा के पहले पत्थर था, तांबा के पहले पत्थर था, पत्थर था तो उसको हम पाषाण काल में पढ़े थे, पाषाण काल। पत्थर के बाद में तांबा आ गया तो इसको हम ताम्र पाषाण काल में पढ़े हैं, ताम्र पाषाण काल, यही तो है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करने लगे। उसके बाद तांबा और टिन को मिला करके कांसा बना, कांसा, कांसा क्या है, तांबा प्लस टिन। ये टिन कहाँ से आता था, ये टिन अफगानिस्तान के क्षेत्र में, वहाँ से इम्पोर्ट होता होगा, और इधर तांबा जो है राजस्थान के साइड से। जैसे हमने एक साइट आपको बताई थी, आप कमेंट करके बताएं कि कौन सी संस्कृति की, एक स्थल हमने बताया था जहाँ से साक्ष्य मिला है कि इंडस वैली को वो तांबा एक्सपोर्ट किया करते थे। तो तांबा और कांसा दोनों का उपयोग होने लगा, ऐसा नहीं पिछली चीज़ें छूट नहीं जाती हैं। तो तांबा और कांसा का उपयोग होने लगा तो वो सभ्यताएं जो आईं उनको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यताएं, यानी यहाँ से जन्म हुआ कांस्य युगीन सभ्यताएं। जहाँ तक तांबा का यूज हो रहा था वहाँ तक हमको कोई सभ्यता नहीं देखने को मिलती है,
संस्कृतियाँ हैं, छोटी छोटी संस्कृतियाँ हैं जो ग्रामीण हैं। लेकिन जैसे ही कांसा आता है प्रयोग में, तो जब कांसा और तांबा सब कुछ आ जाता है तो उसको हम कांस्य युगीन देखते हैं और वहाँ पे हमें सभ्यताएं नज़र आने लगती हैं। ये सभी सभ्यताएं कांस्य युगीन हैं, यानी कांसा यूज हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, मिस्र की सभ्यता, ये सब समकालीन है और इस समय तक कांसा आ चुका है मनुष्य के संज्ञान में। तो कांसा का यूज करने वाली सभ्यता कौन सी है? भारतीय क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता कांसा का यूज करने वाली सभ्यता है, पहली सभ्यता। तो क्या यह सभ्यता तांबा का यूज नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। अगर हम पूरी हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे डिटेल में, तो तांबा का यूज ये ज़्यादा ही करते थे, कांसा प्रयोग करते थे लेकिन तांबा का यूज बहुत करते थे। इसके बाद जब आएगा लोहा, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे? तो आपका उत्तर होगा नहीं। देखिए, जब फैक्चुअल बात आपसे की जाए, जब भी कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का उपयोग करते थे, तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्योंकि लोहा जो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में देखा जाता है, वो देखा जाता है 1000 BC से। देखिए, लोहा जो है 1000 BC से भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा जो अभी साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ से मिलते हैं। और ये कौन सा पीरियड है? ये वैदिक पीरियड है, यानी लोहा जो है वो आगे वैदिक पीरियड से आपको देखने को मिलता है। वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है 1500 BC से शुरू हो जाता है और 1000 BC, फिर 600 BC तक वैदिक पीरियड जो देखने को मिलता है वहाँ पे 1000 BC से, यानी जहाँ से उत्तर वैदिक शुरू हो जाता है, 1500 से 1000 के बीच में ऋग वैदिक है और फिर उत्तर वैदिक शुरू हो जाता है, तो वहाँ से लोहा आपको देखने को मिलता है। लेकिन लोहा जो है पहले ही ज्ञात हो चुका था विश्व पटल में, लोहा उससे पहले ही ज्ञात हो चुका था मनुष्य को। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में थोड़ा बाद में लोहे का संज्ञान आया है। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में भी मनुष्य को लोहे की जानकारी रही होगी और उपयोग उसका नहीं वो करते थे। तो यहाँ पे कांसा और तांबा का उपयोग देखने को आपको मिलता है हड़प्पा में। तो इतनी चीज़ आशा है आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, यानी ये कब थी, तो इसमें विद्वानों के बहुत मतभेद हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ों की कार्बन डेटिंग भी की गई है और कार्बन डेटिंग एक विश्वसनीय प्रमाण देता है, लेकिन यहाँ पर भी शक पैदा हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी सभ्यता की बात कर रहे होते हैं, हमने जिन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमको अभी तक जो वस्तुएं मिली हैं वो कम पुरानी हैं, अभी किसी स्थल से उससे भी पुरानी वस्तुएं या प्रमाण मिल सकते हैं। तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट समय नहीं बताया जा सकता। इसीलिए जब आप कभी इतिहास में, प्राचीन इतिहास में विशेष करके, जब तक हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे होते हैं, तब तक के जो प्रमाण हैं उस पे डेट जो है वो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग रहती है। इसीलिए तारीखों पे, डेट, वर्ष, समय पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए कि यह सभ्यता लगभग कब रही थी। तो देखिए, समय काल देखिए, जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने सबसे पहले, एक नाम याद रखिए, जॉन मार्शल जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष महानिदेशक रहे हैं और इन्हीं के अध्यक्षता में जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य पहली बार कराया गया था विध्वस्त समय में। इसीलिए जॉन मार्शल का नाम जो है आप कई बार सुनेंगे। अभी आगे भी देखेंगे कि जब सभ्यता का खोज हुआ तो जॉन मार्शल उसमें पुरातत्व में थे, इंडियन में। तो इन्होंने सबसे पहले जो समय का अनुमान लगाया कि ये सभ्यता कितनी पुरानी होगी, क्योंकि इन्हीं के समय में इसको खोजा गया इंडिया में, तो ये जो आइडिया देते हैं, ये मान के चलते हैं कि 3250, जॉन मार्शल का विचार है कि 3250 से 2750 BC ये समय काल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये बाद में संशोधित किया गया, अन्य विचारक आए, जैसे कि एक हम और विचारक की बात ले लेते हैं। बहुत से लोगों ने समय बताया है, बहुत ज़्यादा आप इस चक्कर में ना पड़िए, सिर्फ एक दो याद रखिए ताकि आपको एक रफ आइडिया ज़रूर हो जाए। मार्टिमर व्हीलर, और इन्होंने कहा कि ये सभ्यता 2500 BC से
1700 BC के बीच में रही थी। अब देखिए, इसके बाद कार्बन डेटिंग की गई, बहुत सी वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की गई और उससे क्या निकला, कार्बन डेटिंग। अब ये दो विचारकों का हमने देख लिया, अब जरा कार्बन डेटिंग पे ध्यान दें। कार्बन डेटिंग जिन वस्तुओं की गई है उसके आधार पे ये लगभग 2350 से बीसी से 1750 बीसी के मध्य की चीज़ें मिली हैं। तो एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया हो गया कि ये सभ्यता किस समय की बात की जा रही है। तो हम एक रफ कह सकते हैं कि यह 3000 बीसी के लगभग इस सभ्यता का जो है उद्भव हुआ होगा, लगभग वही 3200। लेकिन ये सत्य बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत सारी खोज होना बाकी है और बहुत से विचारक इसको बहुत पुराना मानते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, वो हमारे सिलेबस में उतना डिस्कशन नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग में जो शुरुआत हो गई होगी वो 3000 बीसी में इसकी शुरुआत हो गई होगी ज़रूर। हालांकि ये अपने बहुत शुरुआती फेज़ में रही होगी और फिर ये जो वस्तुएं सब डेटिंग कर रहे हैं ये इसके डेवलप फेज़ के रहे होंगे, जहाँ पे काफ़ी डेवलप आ गई होगी। और ये लगभग 1500 BC, ये एक आइडिया है जिसके बीच में लगभग सभी विद्वान संतुष्ट हैं कि हाँ इसी के बीच में ये सभ्यता रही है, कोई भी है लगभग उसी के बीच में आ जाएंगे। और यहाँ से हम वैदिक काल में प्रवेश कर जाएंगे 1500 BC से। तो 3000 BC से अब कुछ विद्वान इसको और पीछे से मानते हैं कि ये 4000-5000 वर्ष पीछे तक जा रही सभ्यता, 4500-4800, लेकिन हम उतना डिस्कशन में नहीं जाएंगे, विवाद में। हम इसको मोटा मोटा 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन को मानते हैं, जिसमें इसमें जो सबसे मान्य है वो लगभग 2300 से 1700, ये कार्बन डेटिंग वाला आप याद रखिए, 2300 से 1700 के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी ईस्वी पूर्व में। तो ये इसका हो गया समयकाल, लोकेशन। और अब आइए हम बात करते हैं इसकी खोज पे, फिर हम नामकरण और विस्तार को देखेंगे डिटेल में। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, जब हम खोज की बात कर रहे हैं तो भारत में हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल हैं, ऐसा नहीं कि ये लोगों के संज्ञान में नहीं थे। आज भी आप अपने जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ के आसपास में किसी गांव या किसी क्षेत्र में आप देखते होंगे ऊंचे ऊंचे टीले या पथरीला क्षेत्र या ऐसा कुछ क्षेत्र ज़रूर पड़ा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत प्राचीन समय में कुछ न कुछ ज़रूर रहा होगा, जिसकी वजह से ये एक ऊँचा क्षेत्र है। और आप वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पक्की मिट्टी के बर्तन टाइप के या ईंटा गिट्टी ये सब कुछ मिलता है, जिससे आपको एक शंका पैदा होती है कि क्या कभी यहाँ पे कोई गांव शहर या कुछ ज़रूर रहा होगा जो अब नहीं है, जिससे ये टीला बन गया बाद में। तो ऐसा ज़रूर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही चीज़ें पहले भी पड़ी रही होंगी लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया। यहाँ पर हम विदेशी शासन में थे अंग्रेज़ों के समय में, तो ऐसे में अपने खाने के प्रबंध में लोग लगे हुए थे, वो कोई भी साइट का उत्खनन और ये सब पे क्या ध्यान वो देंगे, आप समझ सकते हैं सिचुएशन। लेकिन अंग्रेज़ों ने ही शुरुआत की इस चीज़ की, जाहिर सी बात है उन्हीं का शासन था, हम उनकी कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। तो यहाँ पर जो खोज हुई उसका जो पहला एक प्रमाण मिलता है उसमें चार्ल्स मेसन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। चार्ल्स मेसन, देखिए बहुत से लोग, बहुत से अंग्रेज होंगे जो इसके विषय में जानकारी जिनको मिली होगी, देखा होगा, लेकिन एक चार्ल्स मेसन थे जिन्होंने सर्वप्रथम माना जाता है, देखिए ये सब जो फैक्ट हैं ये फैक्ट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हैं, जैसा पुस्तकों में मिलता है और जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके आधार पे है। अब कोई यहाँ पे कोई तर्क करने लगे, नहीं नहीं चार्ल्स मेसन से पहले तो हमारे दादा के परदादा भी जानते थे यहाँ पे कोई सभ्यता है और वो भी कहा करते थे, ऐसा नहीं है कि इनके पहले कोई जानता देखा नहीं होगा, लेकिन जो दर्ज है इतिहास में और वो हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो चार्ल्स मेसन ने माना जाता है कि इसने सर्वप्रथम
ध्यान दिया था, ध्यान दिया, और हड़प्पा स्थल से ईंटें इत्यादि प्राप्त की। यानी ये कहीं देखा होगा इसने, तो इसने देखा कि ईंटों का कुछ है और तो कुछ सामान ईंटें वगैरह इसने देखी, तो इसका ध्यान गया उस तरफ। तो यही प्रश्न आ जाता है, सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने हड़प्पा टीले पर ध्यान दिया था या हड़प्पा टीले को सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया उस पर? तो वो है चार्ल्स मेसन। लेकिन 1826 में, लेकिन इसकी बात पे कुछ ध्यान नहीं दिया गया, यानी कोई कार्य प्रगति नहीं हुई, कोई कार्य प्रगति नहीं, ये लिख लीजिए। यानी सिर्फ सबसे पहले इसने उस चीज़ को देखा लेकिन उस पे कोई ध्यान नहीं गया, चलता रहा कार्य चलता रहा। दोबारा जब फिर से हड़प्पा पर लोगों का ध्यान गया, वो समय था जब रेलवे पटरी बिछ रही थी, यानी 1853 से 1873 के मध्य इस पे फिर से ध्यान गया। देखिए 1853 से 1873 के मध्य जो है कनिंघम महोदय थे, और यहाँ पर इसी बीच में 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश हुकूमत का शासन हो गया इंडिया पे, इसके पहले कंपनी का शासन हुआ करता था। आपको पता है कि 1857 से पहले भारत कंपनी के शासन में था, और 1857 की क्रांति से क्या हुआ, वायसराय आ गया और ब्रिटिश ताज का सीधा शासन इंडिया पे शुरू हो गया। तो जब सीधा शासन 1857 से शुरू हो गया तो यहाँ पर काफ़ी कार्य जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने शुरू कर दिए, और इसी दौरान जो है पुरातत्व विभाग भी आया। पुरातत्व विभाग में अलेक्जेंडर कनिंघम का आप नाम सुनते हैं, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये नाम आपसे पूछा जाएगा। तो एक महोदय थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारत में पुरातत्वों की खोज की, पुरातत्विक चीज़ों का उत्खनन शुरू किया। और कौन कहाँ उत्खनन शुरू किया, हड़प्पा पर ही उत्खनन शुरू किया था। तो सबसे पहले पुरातात्विक चीज़ों की खोजबीन करने का काम किसने शुरू किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने शुरू किया। और यही जो है भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। ये सब चीज़ें हम पीछे भी एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम हमने यहाँ पे क्यों बताया, ये इन्होंने ही सबसे पहले जो है हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। देखिए क्या हुआ, 1856 के समय में रेलवे लाइन बिछ रही थी लाहौर कराची के बीच में। 1856 में कहाँ रेलवे लाइन बिछ रही थी, 1856 में जो है लाहौर टू कराची ये लाइन बिछ रही थी, कराची रेलवे लाइन बिछ रही थी। तो इसमें क्या हुआ, दो लोग थे, एक थे विलियम ब्रंटन और एक थे जॉन ब्रंटन। ये दो ब्रंटन बंधु थे, इन्होंने ये रेलवे लाइन बिछ रही थी वहाँ पे, ये हैं, इन्होंने देखा एक टीला है वहीं पास से रेलवे लाइन गुजर रही, तो इन्होंने टीले से ईंटें प्राप्त करना शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए, ये बात मैं कर रहा हूँ 1856 के समय की, और सभ्यता कब की है, ये सभ्यता भी हमने डिस्कस किया था कि 3000 BC, यानी कि लगभग 5000 साल पहले। वर्तमान से अगर देखें तो 5000 वर्ष पहले का कोई निर्माण था, उसकी ईंटें अब भी सलामत थी अच्छी तरीके से टीले में, और वो इनको मिलने शुरू हो गई, और इतनी मात्रा में मिलना शुरू हो गया कि वहाँ से उठा उठा के वो रेलवे पटरी के नीचे वो ज़मीन को मज़बूत करना शुरू कर दिए। काफ़ी ईंटें तो खोद डाली इन्होंने, लेकिन जब ऐसा हुआ होगा कि लेबर लोग लाने लगे होंगे ईंटें, एक कुछ खोदी फिर थोड़ी खोदी और खोदी, बढ़ता गया, फिर शंका हुई होगी कि आखिर इतना सारा ईंटा कहाँ से आ रहा है। तो ज़रूर कुछ है यहाँ पे ऐसा जो जैसे थोड़ा बहुत मिल जाए तो कहीं से आ गया, लेकिन इतना सारा ईंटा मिलने लगा कि ट्रकों गाड़ियों मिलने लगा, तो लगा कि
ये कहाँ से ईंट आ रहा है। तब जो है इन्होंने आगे सूचित किया होगा अपने ऊपर अधिकारियों को कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसमें अलेक्जेंडर कनिंगम का इस पे ध्यान गया और उन्होंने वहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया हड़प्पा का। लेकिन उसको सिर्फ उत्खनन थोड़ा बहुत किया और कहा हाँ कुछ है ऐसा, लेकिन कोई विशेष सफलता हासिल नहीं की, यानी कि उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उनको पटरी पे ज़्यादा ध्यान था अपने रेलवे के काम पे। तो प्रथम उत्खनन किया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का किस लिए आप दर्ज करेंगे? हड़प्पा का प्रथम उत्खनन, हड़प्पा का प्रथम बार उत्खनन, लेकिन महत्व को उजागर करने में असफल, यानी अभी खोज नहीं कर पाए कुछ ही। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले हड़प्पा, तो अभी हड़प्पा में विशेष कोई इनको महत्व, क्या हड़प्पा है, कौन सी सभ्यता है, क्या है, अभी कुछ इसमें विशेष इनको सफलता नहीं मिली। सिर्फ ये है कि वहाँ पे इन्होंने खोजबीन कार्य किया था पहली बार। तो सीधा प्रश्न आपसे बन जाएगा कि किसने हड़प्पा का पहली बार उत्खनन कराना शुरू किया था? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन वो इसके महत्व को उजागर करने में सफल नहीं हो पाए कि क्या चीज़ है ये, क्या महत्व है ये, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो आपने चार्ल्स मेसन का नाम देखा, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम देखा, और इसके बाद दो तीन स्कॉलर्स के नाम जो देखेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहीं से हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का पहली बार जो है ऐतिहासिक महत्व जो है वो सामने आया लोगों के। तो यहाँ तक ये ट्रेलर है, कहानी क्या आई। अब जो है रेलवे लाइन वगैरह काम हो गया, काफ़ी दिन चलते रहे, और इसके बाद पुरातत्व जो विभाग है वो स्थायी विभाग बना दिया गया कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, और पुरातत्व पे और ज़्यादा जब स्थायी विभाग बन गया। लॉर्ड कर्जन नाम पूछा जाता है कि किस जो है किसके समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक स्थायी विभाग के रूप में बना दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। और जब ऐसा हो गया तो फिर अब जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा पुरातात्विक चीज़ों के ऊपर, और ऐसे में जो है महानिदेशक बने जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इत्यादि लोगों ने उत्खनन कार्य शुरू किया इंडस वैली साइट्स में, और सबसे पहले हड़प्पा साइट का खोज की गई, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई तुरंत उसके आफ्टर में, और फिर आगे सिलसिला रुका नहीं जो आज तक नहीं रुका है। यानी कि अभी तक आज़ादी के पहले अगर हम बात करें भारत में तो लगभग 40 के आसपास साइट्स आई थी ध्यान में, लेकिन अब जो है वो जो है सैकड़ों की संख्या में हैं, 1,500-2,000 के ऊपर हैं साइट्स जितनी खोजी गई हैं, और बहुत सारी साइट्स का उत्खनन कराया जा चुका है। देखिए अगला जो है वो बात करेंगे हम 1921 में। 1921 में अब देखिए यहाँ पे जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल कौन है लिख लीजिए, जॉन मार्शल उस समय इस समय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं, तो इन्हीं की अध्यक्षता में काम करेंगे। तो 1921 में जो है दयाराम साहनी इन्होंने जो है हड़प्पा का उत्खनन किया, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी। हम एक जो है किसी क्लास में लिस्ट बना करके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको हम बता देंगे किसने खोजा, कब खोजा, और वहाँ पे क्या खास खास चीज़ें मिली। तो एक दो यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कर लें। 1921 में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, और जस्ट आफ्टर 1922 में जो है राखालदास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। हड़प्पा जो है ये कहाँ है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, यानी दोनों साइट ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे हैं ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं उसमें, क्योंकि फिर समय ज़्यादा वेस्ट होगा। जब हम हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, किस क्लास में? जब हम विभिन्न स्थलों का परिचय पढ़ेंगे अलग से, उसमें हम एक एक साइट पे डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जो नगर महत्वपूर्ण थे। तो हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन किया गया जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तब जा कर के लोगों का ध्यान गया इस पे कि हाँ एक सभ्यता है ये,
एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन यहाँ पर था। इसके पहले तो अंग्रेज या पश्चिम के लोग यही माना करते थे कि सभ्यता वहीं आई है और वहीं से सभ्यता पूरी दुनिया में गई है, और इधर भारत के लोग तो हम कभी सभ्य थे ही नहीं। कोई सभ्यता ऐसा, कोई सिविलाइजेशन जैसा कुछ चीज़ यहाँ था ही नहीं पहले। जो बनाया वो सब हम लोगों ने ही बनाया, वो ऐसा सोचते थे। और अभी तक शायद वो मानने को न तैयार थे कि ये सब यहाँ का है। इसीलिए बहुत से स्कॉलर हैं जो ये नहीं मानते हैं कि ये सभ्यता यहाँ के लोगों ने बनाई, वो यही मानते रहे कि ये सब पश्चिम तरफ से ही आया है। और इसीलिए वो क्या कहते रहे, वो बहुत से लोग यही कहते रहे कि ये सब मेसोपोटामिया की तरफ से आया है और यहाँ पे डेवलप किया गया है, यहाँ के लोगों ने स्वयं डेवलप नहीं किया। तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। किस क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जब हम उद्भव के सिद्धांत विदेशी और स्वदेशी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हुआ, तब जो है जॉन मार्शल ने 1924 में, जॉन मार्शल ने घोषणा की, जॉन मार्शल ने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, और वो सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ये जो टर्म है वो कॉइन किया इन्होंने। जॉन मार्शल ने ये घोषणा कर दी खोज होने के बाद में कि हमने एक न्यू सिविलाइजेशन की खोज कर ली है, और वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भारतीय उपमहाद्वीप में, और पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से जो है भारत की तरफ गया कि हाँ वहाँ पे भी कोई बड़ी सभ्यता मिली है। बहुत सी घटनाएँ हुई हैं जब जब विश्व पटल पर भारत का नाम अचानक से उभर कर आया है, जैसे कि इसी के बाद में देखें 1924 की बात हो रही है, 6 साल बाद अभी गांधी जी का जब दांडी मार्च हुआ 1930 में, तो दांडी मार्च एक पहला आंदोलन था भारत का जिसको विश्व मीडिया तक कवरेज मिली। उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, ये मार्च इतना बड़ा रूप ले लेगा। इतना बड़ा रूप लेने के पीछे उसका रीज़न ये था कि गांधी जी ने इसमें एक ऐसा कानून तोड़ा था जो हर एक सामान्य नागरिक का लेना देना था उससे, नमक कानून। शुरुआत में तो लोगों को ये लगा कि अगर गांधी जी कोई कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं तो कोई बड़ा कानून तोड़ा जाए। भाई अगर कानून तोड़ करके विरोध दर्ज कराना है तो किसी बड़े कानून को तोड़ा जाए जिससे सरकार को हर्ट हो एकदम से और एकदम से उथल पुथल मच जाए। तो उसमें सहमति ये बनी कि नहीं, बड़े कानून सीमित लोगों तक जो है उसकी पहुंच है, लेकिन अगर हम नमक कानून को तोड़ते हैं तो कानून ये बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन ये हर घर तक धमक पहुँचाएगा, क्योंकि नमक हर घर में यूज होता है और हर छोटे से छोटे गरीब से गरीब इंसान को ये लगा कि हाँ ये एक इंसान है जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है। नमक तो हर घर में यूज होता था, और नमक पे टैक्स का कानून जब तोड़ा गांधी जी ने तो उसमें हर एक गरीब से गरीब आदमी तुरंत जुड़ने की कोशिश किया कि हाँ ये कुछ हमारे लिए भी है। तो इस तरह क्या हुआ, जनबल इकट्ठा हुआ, और सत्याग्रह जो किए गए गांधी जी के द्वारा वो चाहे अफ्रीका में रहा हो चाहे भारत में, उसने विश्व की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब पहली बार साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया था, उसमें भी विश्व मीडिया ने ये कवरेज लिया कि हाँ एक इंसान जिसने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हाथ जो है वो अपना सर सीना तान के खड़ा हो गया इंसान साउथ अफ्रीका में, तो वो इंसान कौन था, वो महात्मा गांधी थे, और वो कहाँ का है, वो इंडिया का है। तो इंडिया फिर से एक बार नाम आया था उस समय। उसके बाद ये एक खोज हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर 1930 में जो है दांडी मार्च आ गया एकदम से, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर आज़ादी, बहुत सी चीज़ें, और फिर आज तो हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई किसके द्वारा, ये स्कॉलर्स हैं जो, और भी बहुत से लोग हैं, हमने आपको एक संक्षिप्त चीज़ बताई। चलिए अब नामकरण पे आ जाते हैं इसके, कि इसका नाम क्या है, इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया है। देखिए नामकरण में सबसे पहले इसको नाम जो दिया जाता है वो हड़प्पा सभ्यता नाम दिया जाता है।
हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए इतिहासकारों का एक ये मत है कि अगर कोई स्थल की खोज की जाती है किसी संस्कृति सभ्यता या उसकी, तो जिस स्थान पे सबसे पहले उसको खोजा जाता है उसी स्थान के नाम से उसको नाम दे दिया जाता है। तो जैसे जोरवे कल्चर है या जो जो भी हैं आहाड़ कल्चर है, तो वो सब इसी को फॉलो करते हुए। तो हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हमने बताया कि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज हुई, इस आधार पर कहा जाता है। दूसरा इसका जो नाम है रखा गया, हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र वाला जो है पाकिस्तान, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इसीलिए इसको कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता। और वर्तमान में इसी नाम पे सभी विद्वान सहमत हो गए हैं, क्योंकि आगे जो और मत आए उसमें देखिए एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC शॉर्टकट में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु नदी के नाम पर है ये, हमने अभी आपको बताया था कि सिंधु और सरस्वती नदियों के घाटियों में इसके स्थल मिले हैं, उसके आसपास मिले हैं। तो पहले देखिए प्रारंभ में सर्वाधिक शब्द ना लिखे, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे आप। प्रारंभ में सिंधु नदी घाटी में इस सभ्यता के स्थल खोजे गए, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में मिल रहे थे। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि ये जो सभ्यता है ये सब सिंधु नदी के आसपास है, तो जब सिंधु नदी के आसपास है तो इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कह दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन ये बात बाद में, ये बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो सिंधु नदी के किनारे नहीं हैं। वो किस नदी के किनारे हैं, वो सरस्वती नदी के किनारे हैं, जो वर्तमान के भारत के राजस्थान के क्षेत्र में कभी बहा करती थी। हालांकि वो नदी अभी खोजबीन का विषय है, जो घग्घर हक्कर नदी है उसी को माना गया है कि यही सरस्वती का जो है सोर्स रहा होगा, यही रूट। तो इसको बाद में नाम दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी दोनों नदियों को जोड़ लिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता, या सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये जो स्कॉलर हैं, ये आप ये भी मान लीजिए कि शायद इनको देश प्रेम का भी ज़्यादा इनके ऊपर थोड़ा असर है, क्योंकि सिंधु नदी अब ज़्यादातर पाकिस्तान क्षेत्र में है और उसके स्थल भी पाकिस्तान स्थल में है क्षेत्र में है। तो हो सकता है इसके पीछे थोड़ा सा ये भी एक मोटिवेशन है कि हम सरस्वती नदी तो हमारे क्षेत्र में है तो इसका नाम सिंधु सरस्वती होना चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक भी है, कारण भी है, देशभक्ति भी है, कारण भी है। कारण ये है कि सिंधु घाटी में कम स्थल हैं, सरस्वती नदी क्षेत्र में ज़्यादा स्थल हैं, और माना गया कि जो कालीबंगन जो राजस्थान में है वो इस सभ्यता का सेंटर पॉइंट था, और वो कहाँ है, वो सरस्वती नदी के क्षेत्र में है, इसीलिए जो है इसको सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, बाद में, पहले शुरुआत में ये बात है, बाद में अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में मिले, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सरस्वती सभ्यता। एक और इसको नाम दिया जाता है प्रथम नगरी क्रांति सभ्यता, भारत की प्रथम नगरी सभ्यता, इसको प्रथम नगरी क्रांति कहा गया है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत साधारण लोगों के द्वारा एक असाधारण सभ्यता बना दी गई। आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी, जब आप इसका भी नगर नियोजन पढ़ेंगे, जब इस क्लास में आप आओगे नगर नियोजन और इसका जो कला एवं लिपि का जो चीज़ है,
जब आप इस पे विचार करके आप देखिएगा कि आपको हमने पढ़ाया शुरुआत से हिस्ट्री में कि देखिए पाषाण काल था, पाषाण, फिर उसके बाद आपने देखा तांबा का काल आ गया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कांस्य सभ्यता, और ये सब बहुत तेज़ी के साथ में एक ऐसी सभ्यता आ गई धरती पे जिसने नगर का निर्माण कर दिया, और कोई छोटा मोटा नगर नहीं, बड़े बड़े नगर बना दिए, ऐसे नगर जिनसे आज भी टाउन प्लानिंग को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। समकोण पे काटती हुई सड़कें, बड़े चौड़े मार्ग, 30-30 फुट चौड़े मार्ग, ढकी हुई नालियाँ, जल निकास का प्रबंधन, आज भी पाकिस्तान में न्यूज़ में आप अक्सर देखते हैं कि जब बारिश होती है, बाढ़ का होता है, तो जो वहाँ पे साइट्स हैं वहाँ आज भी जल प्रबंधन का, जो जल निकासी की व्यवस्था आज भी काम कर रही है, तो ऐसा प्रबंधन नगर नियोजन का, तो इतनी जल्दी आप देख रहे हैं कि नवपाषाण काल अंत हुआ, और उसके बाद कितने कम समय में इन्होंने नगरी सभ्यता को जन्म दे दिया यहाँ के लोगों ने, इतनी फास्ट, जो यानी कृषि, ग्रामीण कृषि संस्कृतियों से नगरी एक संस्कृति बनने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आश्चर्यचकित करता है कि वो कितनी जल्दी डेवलप कर गए। तो इसीलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को विश्व पटल ने अध्ययन करने के लिए उनका ध्यान खींचा कि यहाँ के लोगों ने जो नगरी सभ्यता है वो इतना फॉरवर्ड कैसे बना दिया, कहाँ से आए इनके पास ये तत्व। तो बहुत से विचारक भ्रमित होते हैं, कहीं से बाहर से ज्ञान आया, कहाँ से आया, क्या आया, लेकिन यह एक अध्ययन का विषय है कि इतने फास्ट किस प्रकार से वो रहे होंगे। तो ये इसको कहा गया प्रथम नगरी क्रांति हो गई, यानी एक रिवॉल्यूशन टाइप का है ये प्रथम नगरी क्रांति। किसने कहा है तो एक स्कॉलर हैं, प्रथम नगरी क्रांति कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं गार्डन चाइल्ड, इन्होंने प्रथम नगरी क्रांति कहा गया। ये भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक ज्ञात सबसे पुराना नगरी सभ्यता है, लिख लीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक ज्ञात, यानी हो सकता है कहीं आगे चल के कुछ और हमको मिल जाए कि इससे पहले भी कुछ था, तो अभी तक ज्ञात ही है कि प्रथम नगरी सभ्यता है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये नोट कर लिया। इसको और एक नाम दिया जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। हमने आपको बार बार बताया है कि कांसा क्या है, कापर प्लस टिन की मिश्र धातु है ये, तो कांसा या कांस्य का प्रयोग करते थे ये, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पे एक माइंड में रखिएगा बात कि तांबा का प्रयोग भी करते थे, और तांबा का प्रयोग ज़्यादा करते थे। कांसा का ज्ञान था, कांसा का प्रयोग करते थे, खूब करते थे, लेकिन तांबा का प्रयोग उससे भी ज़्यादा करते रहे थे, और आज भी हम लोग करते हैं तांबा का प्रयोग, ऐसा थोड़ी ना तांबा का सब भूल के लोहा पे आ गए हैं। दिस इज़ द मेटल, लोहा, जिसने आज के समाज को लोहा दिया है। तो कांसा का प्रयोग किया, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, नगरी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, और वर्तमान में सब कुछ घूम फिर के जो स्कॉलर्स हैं वो हड़प्पा सभ्यता को सबसे ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं कि ये नाम नियम पे भी फिट बैठ रहा है, जो हमारा नियम है कि पहली खोजी गई साइट वो सभ्यता, तो इसी को ज़्यादा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन सभी नाम सही हैं और किसी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। आइए, ये हमने देख लिया, अब हम जरा इसके विस्तार पे गौर करें कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, विस्तार, और इसी पॉइंट के बाद में हम क्लास को एंड करेंगे। देखिए विस्तार पे बात, कालक्रम पढ़ लिया हमने, इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य इतिहास में रखते हैं। ये हड़प्पा जो सभ्यता है ये किसमें रखी जाती है, हड़प्पा सभ्यता हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको हम आद्य इतिहास में पढ़ते हैं, आद्य इतिहास काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है ये। कौन सा है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। क्या होता है ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, हमने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था, लेकिन आज हम फिर इसको दोहरा देते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐसा काल जिसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास
दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हों, यानी कि साहित्यिक साक्ष्य यानी लिखा गया लिपि वगैरह और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्रकार के उपलब्ध हों, लेकिन उसमें हम लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हमको अध्ययन करना पड़ रहा है, तो हम इसको किस में रखते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में। तो आदि ऐतिहासिक काल इसमें हमें दोनों स्रोत प्राप्त हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या है? हमको यहाँ पे बर्तन, मूर्तियाँ, नगर निर्माण सब बहुत कुछ मिलता है, जिसको देख करके हम आइडिया लगाते हैं कि ये चीज़ें रही होंगी, ऐसा ऐसा ये लोग करते होंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य इसी के आधार पे क्या इसका किया जा रहा है? अध्ययन किया जा रहा है। हमें लिपि भी प्राप्त है, लिपि प्राप्त है, लेकिन लिपि कैसी है? वो चित्रात्मक लिपि है। हम लिपि पे अलग पढ़ेंगे, कौन सी क्लास में? कला एवं लिपि पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लिपि को, लेकिन लिपि हम पढ़ नहीं पा रहे। अब इसका दो प्रकार की बातें आ रही, कुछ बच्चे समझते हैं क्या वो धुंधला है, समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ नहीं पा रहे, नहीं स्पष्ट है, बहुत से अक्षर उसमें स्पष्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन वो भाषा वो लिपि हम जानते नहीं हैं। एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे एक बार पूछा कि हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो लिपि धुंधली है, अक्षर स्पष्ट नहीं है, या दब गए हैं, या टूटे फूटे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो हमने कहा नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं को हिंदी अंग्रेजी या कुछ ऐसा लिखा है लेकिन वो पठनीय नहीं है। वो पठनीय है लेकिन हम पढ़ने में असमर्थ इसलिए हैं क्योंकि हम वह भाषा नहीं जानते। तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि लिपि प्राप्त है लेकिन उस भाषा लिपि, ये लिख लीजिए ऐसे ही, लिपि के ज्ञान के अभाव के कारण, अभाव के कारण हम पढ़ने में असमर्थ हैं, पढ़ने में असमर्थ। यानी कि कुछ लिखा हुआ मिला जरूर है हमको, किताबें नहीं मिली हैं, लिखा हुआ मिला है, पट्टिकाओं पे लिखा हुआ है, उस पे टुकड़ों पे, लेकिन उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे मान लिया कोई हमको नगर मिल गया, कोई एक नगर मिल गया, वहाँ एक गेट है, वहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है, उस पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि ये ऐसे ऐसे कुछ लिखा है, तो हम उसको वो समझ ही नहीं पा रहे क्या अक्षर है, उनका क्या मतलब है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो लिपि प्राप्त तो है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। तो अब हम किस पे डिपेंड हो गए? सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पे डिपेंड हो गए। तो ऐसे ही जो संस्कृतियाँ सभ्यताएँ या इतिहास कालखंड के जो होते हैं उनको हम आदि इतिहास में रखते हैं, जिनकी लिपि पढ़ नहीं सकते हम। और बाद में इसके बाद जब हम आएंगे आगे तो देखते हैं फिर क्या है। तो इतनी चीज़ ये हो गई। अब हम विस्तार की बात कर रहे थे, विस्तार यानी कहाँ से कहाँ तक है ये सभ्यता। तो ज़रा एक छोटा सा पहले मैप बनाएं, देखें ज़रा, ये इंडिया आप देख रहे हो, और इस तरीके से कुछ हम इस तरीके को बनाएं, क्योंकि यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान, और ये है भारत। तो हम पूरा एक कंप्लीट मान के चल रहे हैं क्योंकि हम ये सभ्यता की बात कर रहे हैं। ये इधर हिमालय है जो इस उपमहाद्वीप खंड को अलग कर रहा है। तो ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीन देशों तक विस्तृत थी। तो जब हम विस्तार की बात कर रहे हैं तो विस्तार इसका जो है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है, तीन देशों तक फैला हुआ है इसका साम्राज्य। अब अफगानिस्तान में कुछ एक दो साइट्स हैं, हम आगे बताएंगे जब हम स्थल बताएंगे। पाकिस्तान में तो बहुत प्रमुख प्रमुख नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे, और भारत में भी हैं, बहुत हैं, कालीबंगन, लोथल, बहुत से हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात, गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, वो देखेंगे हम। तो विस्तार में आपने देखा तीन देशों तक फैला हुआ है और त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, यानी कि इसका जो पूरा भौगोलिक आकार है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार का माने यानी अभी तक जो ज्ञात स्थल हैं उसमें जो देखिए इसका यहाँ पे मान के चलिए मांडा है, फिर इस तरह से अफगानिस्तान, फिर इस तरह यहाँ, और फिर ऐसे इस तरह से त्रिभुजाकार ये सभ्यता है। यानी ये मैक्सिमम एरिया जो है ये इसका है।
तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई सभ्यता है। यहाँ अफगानिस्तान भी कुछ साइट आ गए, बलूचिस्तान आ गया, पूरा इंडिया का आ गया सब इसी में। लेकिन ऐसा है नहीं, और भी साइट्स जो और दूर तक हमको मिल रही छठ पुलिस के, मैक्सिमम जो डेवलप एरिया है वो हम बात कर रहे हैं कि इसके जो स्पष्ट चिन्ह हमको मिलते हैं सभ्यता के, तो त्रिभुजाकार आकार में है। और इसका जो एरिया है यानी क्षेत्र, इसका जो माना गया है क्षेत्रफल, वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग कितना लिखेंगे, लगभग 13 लाख वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल वर्तमान में क्या है उसके हिसाब से देखो, तो अगर वर्तमान भारत के क्षेत्रफल का देखो तो 1/3 भाग उसका एक सभ्यता कवर की हुई थी, तो इतने क्षेत्रफल पे फैली हुई। अब इसके बाद और आगे जो खोजी जा रही साइट, उसके अनुमान है कि लगभग ये जो क्षेत्रफल है ये इंक्रीज होकर 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास पहुंच रहा है। तो इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई एक सभ्यता जिसको हम साम्राज्य ना कहें तो क्या कहें, एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा। तो ये है इसका क्षेत्रफल और 3 देशों में फैली हुई है। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि इंडिया में और ये जो पूरा एरिया है इसका अगर हम चारों दिशाओं के जो किनारे के क्षेत्र हैं, साइड्स हैं, उनका नाम पूछा जाता है आपका, तो इस तरीके से एक आप प्लस बना लीजिए और इधर पूर्व, ये पूर्व होता है, ये होता है पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। यानी कि इस सभ्यता के सबसे उत्तरी जो बिंदु है वहाँ पे कौन सा स्थल है इस सभ्यता का, तो वो स्थल है आपसे पूछा जाएगा वो है मांडा। मांडा, मांडा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है मांडा, और ये चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के दाएं तट पे है। ये जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर जिला है, अखनूर। अब पूरब की बात करें, अगर पूरब में यहाँ पे, तो पूरब में जो सबसे इस तरह से लगभग है ये, तो पूरब में जो है वो उत्तर प्रदेश का है आलमगीरपुर मेरठ में, आलमगीरपुर मेरठ में है, मेरठ यूपी, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है इसका। और ये जो है ये हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी के किनारे हैं। अगर हम पश्चिम की बात कर रहे हैं तो पश्चिम में यानी कि यहाँ जाएंगे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, और इधर तो पश्चिमी जो सबसे क्षेत्र पड़ेगा वो पड़ेगा सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये दास्क नदी के किनारे है। ये कहाँ पड़ेगा, इसका नदी जो पड़ेगी वो है दास्क नदी। और दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो ये पहुंच जाता है दायमाबाद और ये प्रवरा नदी महाराष्ट्र। दायमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में जो है ये साइट एग्जिस्ट करती है, अहमदनगर में। तो ये उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम के जो स्थलों के नाम हैं वो बिल्कुल आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है। ये इंडस वैली की जो है एक पूरा एरिया है। और इसमें सर्वाधिक स्थल कहाँ है, सर्वाधिक स्थल लिख लीजिए गुजरात में है। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। और जो कालीबंगन है, कालीबंगन राजस्थान, कालीबंगा को सरस्वती सभ्यता इसको नाम दिया गया था, उसको सेंटर पॉइंट माना गया है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं। तो इस तरीके से हमने इसके विस्तार को समझ लिया है, नामकरण को, खोज को समझ लिया है। अब अगली जो हम क्लास करेंगे वो देखेंगे कि देश वाइज और स्टेट वाइज कौन कौन से स्थल हैं। देखिए स्थलों में हम आगे उद्भव के समय में संस्कृतियों की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी पुरानी संस्कृतियां थीं जिन्होंने डेवलप करके इस सभ्यता को आगे जन्म दिया था। तो हम पुराने स्थल भी कुछ देखेंगे। जो सभ्यता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पहले शुरुआती फेज जो इसका है,
और फिर विकसित फेज है और फिर उत्तर फेज है, यानी कि कोई सभ्यता अचानक से फुल डेवलप नहीं हो गई होगी, शुरुआत में कम डेवलप, फिर पूर्ण डेवलप, फिर पतन की तरफ जाते हुए साक्ष्य। तो उसके स्थल है ना कुछ जहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो उसके हिसाब से भी स्थल देखने होंगे, और एक पूर्व हड़प्पन स्थल और हड़प्पा के समय के स्थल, इसके हिसाब से भी कैटेगराइज करना होगा। कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पे तीनों फेज के निशान मिलते हैं हमको, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर अलग अलग स्थलों से क्या मिला है, जैसे कि एक बहुत फेमस स्नानागार, स्नानागार कहाँ से मिला है, तो उत्तर होता है मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऐसे करके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम अगली क्लास जो होगी विभिन्न स्थलों का परिचय, देखिए ये आगे की जो क्लासेस हैं वो मेंस के प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये थोड़ा डिस्कशन का विषय है। अभी तो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, आपको देखिए डाटा दे रहे हैं, लेकिन जब हम राजनीतिक जीवन इन सब पे बात करेंगे तो इन ये बातें तभी आपको समझ में आएंगी जब आपके पास में ये होगा, मटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि उसी मटेरियल के आधार पे तो आप ये बोलोगे। अगर आपसे कहा जाएगा कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किताब मिल गई है इनकी जिसमें लिखा हुआ है। अब आपको विश्लेषण ही करना है, मिला क्या है, मिला क्या है, बर्तन पड़े हुए हैं, मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, रथ टूटा मूर्ति पड़ी है, कहीं बैल का मूर्ति, कहीं मुहर है, कहीं सील है, कहीं कुछ। अब आप ही को तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या करते रहे होंगे। अगर बर्तन बना रहे हैं तो क्या करते होंगे, मूर्तियाँ बना रहे हैं तो किस चीज़ की मूर्ति बना रहे हैं, इसके आधार पर आपको सोचना पड़ेगा कि इनका दिमाग क्या होगा उस समय और क्या करते रहे होंगे। अगर ये कहीं पे गॉड का चित्र बना रहे हैं तो इसका मतलब है उसी से आप उनके धार्मिक जीवन का अनुमान लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि मिला क्या है और कहाँ से क्या मिला है, फिर उस मिली हुई वस्तुओं के विश्लेषण के आधार पे ही आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। इसीलिए हम पहले आपको स्थलों का परिचय कराएंगे जिसमें आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या मिला है, और फिर जब हम इन पर बात करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि हाँ, अगर हम कहते हैं कि मातृ देवी की पूजा करते थे तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया कि फला साइड से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, इसका मतलब ये पूजा करते रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको पहले पता ही नहीं है कि मिला क्या है, तो फिर इसको डिस्कस करने से बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।